एवरीवन, वेलकम टू माय मिसून। सावन का महीना आ गया है तो खीर और मालपुए तो सावन में सबको खाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो आज मैं वही रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे यम्मी यम्मी कस्टर्ड खीर विद लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। कस्टर्ड खीर बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी सौगी ली है, थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़ा सा पिस्ता लिया है, थोड़ी सी हरी इलायची ली है, एक कटोरी चावल लिए हैं और एक कटोरी शुगर ली है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा शुगर भी ले सकते हैं। एक लीटर दूध लिया है और कस्टर्ड पाउडर वनीला वाला वही लेना है। अब मैं चावल को सोक कर लूँगी एक घंटे के लिए। कढ़ाई में मैं जो एक लीटर दूध है उसे ट्रांसफर कर दूंगी, थोड़ी देर के लिए इसको गर्म करूंगी। दूध अब गर्म हो चुका है, इसमें मैं सोक्ड राइस जो है वो ट्रांसफर करूंगी और इसे अच्छे से कुक होने दूंगी। इसे आपने लगातार चलाते हुए ही पकाना है। कटोरी में मैं 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लूंगी और रूम टेम्परेचर दूध के साथ मैं स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। अब हमारी जो चावल हैं वो करीब करीब पक चुके हैं। चावल को थोड़ा सा प्रेस करते हुए आपने मिक्स करते जाना है ताकि एक स्मूथ सा जो है टेक्सचर आ जाए खीर में। अब हम इसमें कस्टर्ड पेस्ट डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। इसी में ही हम शुगर डाल देंगे क्योंकि शुगर अपना पानी छोड़ती है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा देर तक इसको पकाएं आप। अब मैं इसमें चॉप ड्राई फ्रूट डाल दूंगी और इसी में ही मैंने हरी इलायची का पाउडर भी डाल दिया है। इसे मैं थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी। जैसे ही खीर में उबाल आएगा हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और खीर को ठंडा होने के लिए रखेंगे। खीर हमारी ठंडी हो चुकी है, देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आया है। अब इसे हम 3 से 4 घंटे के रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमारी ठंडी ठंडी खीर जो है सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।